Hello students, today we will study the concept of dematerialization. But coming to dematerialization, first we have to understand why there was a need that companies go for dematerialization of shares. This started when we started trading in shares on online basis. Now what was the need that the company started trading on online basis? Why there was a need for online trading? Prior to reform, that is T plus 2 basis, here T plus 2 stands for trading plus 2 days. Before this reform came, securities, here securities means we are talking about shares. Securities were bought and sold, that is traded or settled weekly or fortnightly. जब भी हम शेयर्स में डील करते थे तो जो डीलिंग है उसका सेटलमेंट, सेटलमेंट मींस व्हेन द एक्चुअल कैश इज पेड और रिसीव्ड यूज्ड टू अकर विद इन 7 डेज और विद इन 14 डेज. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन सो मच ऑफ टाइम वाज टेकन ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीज्ड. जब इतना टाइम लगेगा स्टॉक एक्सचेंज को डीलिंग को सेटल करने में तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज के पास बढ़ गया. बट एज पर द इन्वेस्टर्स द ट्रांजेक्शन वर सेटल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट. नाउ दिस गिव राइज टू स्पेक्यूलेशन. व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? व्हेन दिस इज सडन राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स. बिकॉज ऑफ दीज स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशंस अगर बहुत ज्यादा सडन हो, बहुत अनएक्सपेक्टेड अगर शेयर्स का प्राइस राइज या फॉल करेगा, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टॉक शेयर होल्डर्स वेदर टू इन्वेस्ट इन दोज शेयर्स और नॉट. दैट इज व्हाई इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट फेवर ट्रेडिंग इन शेयर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन. ड्यू टू दिस टी प्लस टू बेसिस रिफॉर्म केम इन वेयर इन ट्रांजेक्शन वर सेटल्ड Within 2 days after trade date. जब भी सेल परचेज की बात हो गई दो इन्वेस्टर्स के बीच में, एक इन्वेस्टर ने अपना सिक्योरिटी सेल किया, दूसरे ने खरीदा, जब उन्होंने ये सेटलमेंट कर लिया ट्रेड का, तो फाइनल सेटलमेंट ऑफ कैश हैज टू बी मेड विदिन 2 डेज. एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन ट्रेडिंग डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस. As we have just discussed, why there was a need felt for online trading. Online trading करने की need क्यों आई? Speculation से बचने के लिए. जो sudden हमारे shares का price rise और fall कर रहा था, उससे हमारी stock market बहुत ज़्यादा affect हो रही थी, because people were lacking information. Unless and until people will not have transparency of information, they will not become investors. They will not invest in stock market. So there was a need felt to go for online trading, and because of online trading the concept of dematerialization of securities came into existence. Now what is the meaning of dematerialization? Online trading se pehle stock market mein jab shareholders trade karte the, they used to keep the shares in a form of a paper. Jaise aapke ghar ke kagaz hote hain, वैसे जब आप किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके भी पेपर्स होते हैं. बट कीपिंग दोज पेपर्स सेफ वॉज अ टास्क. सो देर वॉज रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑल्सो. अगर आप अपने इन शेयर्स की पेपर फॉर्म को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इट इज इजी टू कैरी द वे यू आर कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश इन योर पॉकेट. मेरी पॉकेट में 1,00,000 रुपए हैं, बट यू कांट सी दैट माई पॉकेट्स आर हैवी. Why? Because I am keeping a debit card. Similarly, shares का भी जो paper form था उसको electronic form में convert कर दिया गया, और जो electronic form में convert किया इन shares को paper form से, that process is known as dematerialization. Let's read the definition together. Dematerialization is a process where securities held by the investors in physical form are cancelled. An investor is given an electronic number so that the investor can hold it as electronic balance account. The way I am keeping a bank account, I am not carrying physical cash with me. I have deposited all my money in my bank. I am just carrying an electronic card
अ प्लास्टिक कार्ड विच इज होल्डिंग ऑल माई मनी. उसी तरह से शेयर्स में भी हमने पेपर फॉर्म रखने की बजाय सारा का सारा पैसा एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया. नाउ हाउ कैन शेयर बी डीमेटेरियलाइज्ड? शेयर्स कैन बी डीमेटेरियलाइज्ड बाय ओपनिंग डीमैट अकाउंट. जिस तरह से आप अपने कैश को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसी तरह से आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं. और ये डीमैट अकाउंट किसके साथ ओपन कराते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ. एंड दैट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन देयर कस्टडी. जिस तरह से मेरी कैश की फिजिकल फॉर्म बैंक अपनी कस्टडी में रखता है, उसी तरह से शेयर्स की जो फिजिकल फॉर्म है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने पास सेफ कस्टडी में रखता है. इट इज जस्ट लाइक यू कीप मनी इन बैंक अकाउंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कीप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट अकाउंट. आई होप द मीनिंग ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन इज क्लियर टू ऑल. As I told you that electronic form of share is known as dematerialization, so the physical form of shares are kept with depository participants. In our country, the two famous depository participants are National Security Depository Participant Limited, which is also known as NSDL. It is the first and one of the largest depository. First and one of the largest depository which is presently operational in India, venturing with UTI, IDBI, National Stock Exchange. The second largest depository participant is the Central Depository Services Limited, also known as CSDL. It is the second largest depository participant which is promoted by Bombay Stock Exchange and Bank of India. Coming to the functions of depository participant, the first function that a depository participant perform is to keep the physical custody of shares and to change or to convert that physical form into electronic form. To maintain dematerialized account of shares by keeping in custody physical form of share. And the second function performed by depository participant is to update and intimate the status of holdings of shareholders. कि कितने शेयर उन्होंने सेल कर दिए हैं, कितने शेयर उन्होंने परचेज किए हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करना और इन्फॉर्म करना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का फंक्शन है. नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी टू सेटल ऑल ट्रेडिंग प्रोसीजर इन डीमैट फॉर्म. दैट मीन्स इट हैज बीन मेड कंपल्सरी बाय सेबी दैट व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट you have to trade in online form, that is demat form. At present all initial public offer, that means jab koi company pehli baar apne shares ko market mein sell karti hai to sell karne ke liye unhe online form, that means dematerialization form ko use karna hai. And almost 99% of turnover is settled by delivery in demat account. जो भी ट्रेडिंग में आज की डेट में सेटलमेंट्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं एंड दे ऑल आर डन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आई थिंक इन दिस वीडियो यू ऑल आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन. एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर हाउ ऑनलाइन ट्रेडिंग गोज. वी लर्न द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग इन आर नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.